गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन संप्रेषण के प्रकारों को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे संदेशों के माध्यमों के आधार पर संप्रेषण के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ मीडियाज ऑफ मैसेजेस। इसमें दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं, सॉरी इसके अंदर विभिन्न प्रकार के संप्रेषण यानी कि चार प्रकार के संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। पहला मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन। जब कोई संवाद अथवा सूचना मुख से उच्चारण कर प्रेषित किया जाए तो इसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। अन्य शब्दों में मौखिक संप्रेषण से आशय उस संवाद या संदेश से होता है जिसे मुख के उच्चारण द्वारा प्रेषित किया जाता है, न कि लेखनी के द्वारा यानी न कि उसको लिखकर। विली एवं हार्टी के अनुसार उच्चारित शब्द संप्रेषण की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें संकेत एवं वाणी का रूप भी साथ होता है, साथ ही साथ प्राप्तकर्ता प्रश्न भी कर देता है। मौखिक संप्रेषण में इन साधनों या माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे टेलीफोन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, टेलीविजन, साक्षात्कार, रेडियो एवं ट्रांजिस्टर, माय एफएम, संयुक्त विचार विमर्श, भाषण, यात्री प्रतिनिधि, श्रम संघ, सभाएं एवं सम्मेलन आदि। मौखिक संप्रेषण के कुछ लाभ या गुण हैं, इसके एडवांटेज हैं। इसमें समय एवं धन की बचत होती है, क्योंकि लिखने, टाइप करने एवं उन्हें प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह व्यक्तिगत प्रभाव से पूर्ण होता है, इसलिए यह अधिक प्रभावशाली होता है। मौखिक संदेश अधिक बोधगम्य होता है, इसमें संदेश के स्पष्टीकरण, प्रतिक्रिया एवं प्रभाव का शीघ्र अनुमान लगाया जा सकता है। मौखिक संदेश में सुविधाजनक ढंग से परिवर्तन किया जा सकता है। अल्पकालीन स्थिति में कार्य में प्रगति लाने के लिए मौखिक संदेश अधिक प्रभावशाली होते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क से कार्य करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। मौखिक संप्रेषण में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर श्रमिकों या कर्मचारियों के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है। इसमें कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है, और जब निम्न वर्ग को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता है तो उनमें प्रबंध की प्रतिभा जागृत होती है। मौखिक संप्रेषण की कुछ हानियां या इसके दोष भी हैं, डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स। इसमें अस्पष्टता का भय बना रहता है, क्योंकि प्रेषक द्वारा शब्दों का उच्चारण एवं संदेश स्पष्ट नहीं होता है। कभी कभी प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के बौद्धिक स्तर में अंतर होने पर भी प्राप्तकर्ता के बात समझ में नहीं आती है। यह लिखित साक्ष्य नहीं होता है, ऐसी दशा में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बात को प्रभावित करना कठिन हो जाता है, और यह लंबे संदेशों के लिए भी अनुपयुक्त होता है। इसमें मानवीय स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह अपने हित बात को सुन लेता है और दूसरे के हित की बात को याद नहीं रखता है। ऐसी दशा में मौखिक संप्रेषण की उपयोगिता घट जाती है। मौखिक संदेश अस्थायी होते हैं, इसलिए उनका अभिलेख संभव नहीं है, और यह प्रेषिती को अनुत्तरदायी भी बना देता है। सेकंड इसका प्रकार है लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। लिखित संप्रेषण का अभिप्राय ऐसे संप्रेषण से है जिसमें संदेश का संप्रेषण लिखित रूप से किया जाता है। अन्य शब्दों में लिखित संप्रेषण में सूचनाएं आदि मौखिक न दी जाकर लिखित रूप में दी जाती हैं। लिखित संप्रेषण का प्रयोग अधिकतर संगठन के उच्च अधिकारी करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान लिखकर करते हैं, ज्यादातर औपचारिक होते हैं, और ये उन दशाओं में दिए जाते हैं जबकि संदेश लंबा हो, स्थायी प्रकृति का हो एवं अनेक व्यक्तियों से संबंधित हो। लिखित संप्रेषण में अनेक साधनों या माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे पत्र व्यवहार, कार्यवाही सूक्ष्म, संगठन अनुसूचियां, स्मरण पत्र, कार्यक्रम प्रपत्र, प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, बुलेटिन,
गृह पत्रिकाएं, राजकीय प्रकाशन, सुझाव परियोजनाएं एवं नीति पुस्तिकाएं आदि। लिखित संप्रेषण के कुछ लाभ या इसके एडवांटेज हैं, जैसे यह एक स्थायी अभिलेख होता है, लिखित संप्रेषण अधिक स्पष्ट होते हैं, यदि किसी कारण पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका प्रभाव अधिक स्थायी होता है, यही नहीं इसमें संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश पर सोच विचार करने का लंबा समय एवं पर्याप्त अवसर भी मिलता है, जिससे संदेश का उचित प्रत्युत्तर भी दिया जा सकता है या विस्तृत संदेश देने के लिए उपयुक्त होता है। यदि संदेश को भिन्न भिन्न शहरों या नगरों में भेजना हो तो लिखित रूप में भेजने से साधारण व्यय से इस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। इसके द्वारा विस्तृत एवं जटिल संदेश को, जिसे याद रखना कठिन होता है, सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। लिखित संप्रेषण से प्रबंध के कार्य सरल हो जाता है। लिखित संप्रेषण के कुछ दोष या इसके भी डिसएडवांटेज हैं। इसमें सभी बातों को विस्तार से स्पष्ट करना होता है, इसलिए यह अधिक व्ययशील हो जाता है। एक बार संदेश को लिखने के पश्चात यदि इसमें संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता हो जाए तो वह बहुत कठिन कठिनाई तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं और इसके अलावा खर्चा भी अधिक आता है। इसे गोपनीय नहीं रखा जा सकता है, इसके अंतर्गत अनेक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से इसकी कई प्रकार के अवगुण भी या इसके डिमेरिट्स भी हम देख सकते हैं। मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण में अंतर हो सकते हैं। मौखिक संप्रेषण प्रेषक एवं प्रेषित आमने सामने होकर संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, जबकि लिखित संदेश में एक पक्ष का दोनों पक्षकार एक दूसरे को लिखित में संदेश देते हैं और लेते हैं। मौखिक संप्रेषण में लोगों का ध्यान आसानी से आकर्षित किया जा सकता है और लिखित संप्रेषण में तुलनात्मक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को इतना अधिक आकर्षित नहीं किया जा सकता है। मौखिक संप्रेषण में समय आवश्यकता अनुसार मूल संदेश के साथ अतिरिक्त संदेश भी दिए जा सकते हैं। लिखित संप्रेषण के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। मौखिक संप्रेषण संदेशों का भविष्य के लिए कोई प्रमाण नहीं होता है, लिखित संप्रेषण में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। मौखिक संप्रेषण कम समय लगता है क्योंकि संदेश प्रेषक और प्रेषिति को क्रमशः सुनाना और सुनना होता है, जबकि लिखित संप्रेषण में इसको तैयार करना, भेजना और इसमें पर्याप्त समय लग जाता है। परिवर्तन मौखिक संप्रेषण करते समय पूर्ण विचार किए गए संदेशों में तुरंत परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण में तत्काल परिवर्तन संभव नहीं है। संकेतों की अभिव्यक्ति मौखिक संप्रेषण में हाव भाव आसानी से अभिव्यक्त किया जा सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण में इस प्रकार के हाव भाव या संकेतों का अभाव रहता है। इसी प्रकार से इसमें लिखित संप्रेषण प्रेषक प्रेषिति को संदेश विस्तृत रूप में स्पष्ट कर सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण के अंदर मौखिक बात को लेखनीबद्ध करना संभव नहीं है। उसको मौखिक संप्रेषण को दोहराते समय पूर्व संदेश का संदर्भ होना संभव नहीं होता है, जबकि लिखित संप्रेषण का भविष्य में इसका रेफरेंस दिया जाता है। मौखिक संदेश की प्रभावशीलता अस्थायी है, लिखित की प्रभावशीलता स्थायी होती है। आपसी सहयोग अनौपचारिक बनाकर इसमें आपसी सहयोग बढ़ाया जा सकता है और लिखित संप्रेषण में औपचारिकता का अधिक अंश रहता है। इसी प्रकार संदेहों का निवारण मौखिक संप्रेषण द्वारा संदेश से संबंधित संदेहों का निवारण तुरंत किया जा सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण से उत्पन्न होने वाले संदेहों का निवारण तुरंत नहीं किया जा सकता है। प्रतिक्रिया की जानकारी श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं की जानकारी आसानी से हो जाती है, जबकि लिखित संप्रेषण में प्रतिक्रिया की जानकारी करना कठिन है। प्रत्युत्तर मौखिक संप्रेषण का तत्काल प्रत्युत्तर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण के प्रत्युत्तर को प्राप्त करने में समय लगता है। तो ये विभिन्न प्रकार के अंतर हम दोनों में
देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है सांकेतिक संप्रेषण, जेस्चरल कम्युनिकेशन। सांकेतिक संप्रेषण को अमौखिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि यह एक प्रकार का ऐसा संप्रेषण है जिसके अंतर्गत संदेश प्रेषक न बोलता है और न लिखता है, अपितु अपने संकेतों, इशारों, हाव भावों से संदेश पहुंचाता है। अन्य शब्दों में यह संप्रेषण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने के लिए इशारों से, हाव भावों से, मौन रहकर, शारीरिक मुद्राओं एवं चेहरे की अभिव्यक्ति आदि का प्रयोग करता है। तो रेमंड ने कहा है कि संप्रेषण में वे सभी माध्यम सांकेतिक संप्रेषण के अंतर्गत शामिल होते हैं जो न लिखित है और न ही मौखिक शब्दों में व्यक्त है। सांकेतिक संप्रेषण में अनेक संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे खुशी प्रकट करने के लिए पीठ थपथपाना या मुस्कुराना, या हाथों का इशारा करना या मंद मंद मुस्काना। इसके विपरीत नाराजगी की दशा में मुंह बनाना या माथे पर सलवटे आ जाना या मुंह मोड़ना, पीठ फेर लेना, ऊंचा बोलना या क्या है कहना आदि। इसके अतिरिक्त सांकेतिक संप्रेषण में हाथ मिलाना, गर्दन नीचे करके खड़े हो जाना, सिर हिलाना, हाथ हिलाना, आंखों को झपकाना, मुंह मोड़ना, कंधे मचकाना, टेढ़ी निगाह से देखना और आंख मारना आदि भी सम्मिलित होता है। चौथा इसका प्रकार है दृश्य श्रव्य संप्रेषण, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। दृश्य श्रव्य संप्रेषण का आशय ऐसे संप्रेषण से है जिसमें संदेश की विषय सामग्री न केवल स्पष्ट दिखाई जाती है बल्कि उसके बारे में सुनाया भी जाता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो संप्रेषण के जिस प्रकार में चित्रों, हाव भावों, संकेतों, मौखिक एवं लिखित संप्रेषण माध्यमों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है उसे दृश्य श्रव्य संप्रेषण कहा जाता है। दृश्य श्रव्य संप्रेषण में अनेक साधनों या माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन, फिल्में, वीडियो के सेट, इंटरनेट, सीडी, चित्रों, मूवी कैमरे, टेप रिकॉर्ड, मोबाइल फोन आदि। तकनीकी उपकरणों के उत्पादन एवं विक्रय, विज्ञापन, शिक्षण कार्यक्रमों आदि में दृश्य श्रव्य संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के संप्रेषण का अध्ययन हमने किया और विभिन्न प्रकार के संप्रेषण के माध्यम से किसी भी संगठन के अंतर्गत समय समय पर प्रबंधकों के द्वारा कर्मचारियों के मध्य संदेश या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।